देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हुए तस्करा हो रहा था कि असेंबलियां तहलील कर दी जाए या असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया जाए तो क्या तहरीक इंसाफ के पास फिर कोई ऑप्शन मौजूद रहेंगे। दूसरी जानब सवाल भी है कि अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं और तहलील करने से पहले जिस तरीके से इस वक्त इतलात आ रही है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है ताकि असेंबलियां तहलील करने के अमल से इस पूरे मामले को रोका जा सके, ये भी एक ऑप्शन है। दीगर ऑप्शंस के ऊपर भी गौर हो रहा है। मुस्लिम नून का आला सतही इजलास भी सुख जारी है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है तो आखिर क्या होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं तो आज से 2 से 3 माह पहले हमने देखा कि पंजाब समेत दीगर मुल्क के हिस्सों में तहरीक इंसाफ के इस लीडरान को, वर्कर्स को, सपोर्टर्स को मुश्किल वक्त देखना पड़ा था। क्या अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं, हुकूमतों को अपने हाथ से जाने दिया जाता है तो तहरीक इंसाफ इस तरह की सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार होगी कि नहीं। शाह साहब, ये सवाल आपसे है कि अगर ये असेंबलियां तहलील करने का मैं कह दूं कि आज ये फैसला हो जाता है और तहरीक इंसाफ ये सारे इस्तीफे जमा कर देती है तो पहले तो इस्तीफे एक्सेप्ट कौन करेगा, क्योंकि अभी तक 150 इस्तीफे जो दिए थे वो कौमी असेंबली के इस्तीफे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुए, 6 माह का अरसा उसको गुजर चुका है। देखें, ये सूबाई असेंबली के स्पीकर जो है ये इस्तीफे मंजूर करेंगे और स्पीकर भी पीटीआई की कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें तो कोई सर नहीं। स्पीकर ने तो कौमी असेंबली के इस्तीफे भी कबूल किए थे। कासिम सूरी साहब असेंबली का स्पीकर जो सर, कासिम सूरी साहब इस्तीफे कबूल करके गए थे। कौमी असेंबली का स्पीकर पता नहीं क्या चीज है। उस वक्त जो मामला थे वो और है, ये सूबाई हुकूमत का मामला है। इस हुकूमत ने सूबाई हुकूमत ने इस्तीफे देने हैं और ये मुझे ये समझाए ना, कौमी असेंबली में जब इस्तीफे दिए अक्सरियती तादाद में है सब पीटीआई और उसने ये इस्तीफे देने हैं और ये हुकूमत तहलील होनी होनी सर, है। बाकी आप जो कह रहे हैं कि जो हुकूमत नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला सकती है तहरीक अदम एतमाद तो वो मुमकिन नहीं है इस वक्त। इसलिए मुमकिन नहीं है कि अभी एक ऑलरेडी सेशन चल रहा है पंजाब असेंबली का और जब तक वो सेशन खत्म नहीं होता कोई नई करारदाद पेश, गवर्नर कह सकता है एतमाद का वोट लेने के लिए। गवर्नर के पास भी फिर 24 घंटे होंगे, 24 घंटे में क्या ये सब कुछ खत्म नहीं किया जा सकता। और अगर ये असेंबलियां तहलील करने का फैसला हो जाता है और मैं ये भी मान लूं ये प्रोसेस भी हो जाता है तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का ऑप्शन, क्या चले हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं कि वो वेट कर सकती है, इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस कर सकती है, मरहलावार इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस कर सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास तो कुछ भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के ऊपर कश्तियां जला के बाहर निकलेंगी, एक वैक्यूम हो जाएगा, एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा जब इतनी बड़ी तादाद गवर्नर राज लगा देंगे ना सर, गवर्नर राज लगा देंगे सर, गवर्नर राज के ऊपर आप कितना चला लेंगे तो गवर्नर राज से बेहतर है कि बहुत बहुत लंबी मुद्दत थोड़ी है, 5 माह गुजारने पड़े तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत लंबी मुद्दत थोड़ी है, चलेगी सर नहीं चलेगा गवर्नर राज के साथ इतना लंबा टाइम नहीं गुजार सकेंगे, ये इतना लंबा टाइम आपको लगता है कि 5 माह गवर्नर राज में ये हुकूमत चल सके। सर आखिर जाएंगे कहां पर सारा कुछ, सर वो तो फिर इंतखाबी अमल होगा ना, जाएंगे आप इंतखाबात पे जाएंगे, अगर आपने इसी सिस्टम के साथ चलना है तो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की आवाम को इस सिस्टम के साथ नहीं चलना। अच्छा मुझे ये बताएं, बॉटम लाइन ये है कि इमरान खान का ये तमाम मकासद करने का मतलब ये है, ये तमाम जो वो कर रहे हैं इस्तीफों का ऑप्शन यूज कर रहे हैं या असेंबली में तहलील करने का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ये करने का मकसद ये है कि वो इस करप्ट निजाम का मजीद हिस्सा बनकर इस करप्ट निजाम। सर मुझे ये बताएं, इस वक्त नून लीग के पॉकेट्स में तशवीश पाई जाती है कि अगर असेंबलियों से इस्तीफे हो जाते हैं, एक बड़ा वैक्यूम भी क्रिएट हो जाता है तो नून लीग के ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी, फिर पंजाब की परफॉर्मेंस, केपीके की परफॉर्मेंस, दीगर सूबों की परफॉर्मेंस भी, ये जो जो ये हार मुस्लिम लीग नून के गले में चल रही है, मुआशी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर तो ये खुद हुकूमत सस्टेन नहीं करने वाली, अभी तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो फिर हुकूमत सूबों के मामला किस तरह मजीद चलाएगी खुद से, ये जो सवाल है सिस्टम चलता नहीं नजर नहीं चलता दिखाई दे रहा आपको, ये सिस्टम चलता दिखाई नहीं दे रहा, इस्तीफे दे दिए अल्टीमेटली इन इस्तीफों के बाद ये जो खान साहब ऑप्शन यूज कर रहे हैं इसके बाद आम इंतखाबात मजीद करीब, मुझे ये बता दें अगर आज ये तहरीक इंसाफ इस्तीफे जमा करा देती है और कबूल हो जाते हैं इस्तीफे, इसके बाद हुकूमत के पास कितना वक्त होगा या कितने वक्त के बाद ये हुकूमत घुटने टेक देगी आपके ख्याल में? देखें हुकूमत के पास दिसंबर के पहले हफ्ते तक का टाइम है, हुकूमत सोच ले इंतखाबात करवा ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इंतखाबात की डेट में चले जाएं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा है, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सारा मुल्क,
इन्होंने महंगाई मार्च करके अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। ये नहीं चलेगा सिस्टम। सिस्टम के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर, एक मजबूत हिकमत अमली चाहिए होती है, वो इस हुकूमत के पास है ही नहीं। शाह साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे, लेकिन जांगे साहब ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि अगर असेंबलियों के इस्तीफे 567 एक बड़ा नंबर होता है, आपका आधा ऐवान खाली हो जाता है, आपके सिंध की आधी सीटें खाली हो जाएंगी, पंजाब की पूरी गवर्नमेंट चल जाएगी, केपी की पूरी गवर्नमेंट चल जाएगी, आजाद कश्मीर का मामला है सर, ये सारे जब मैटर होंगे, आपको लगता है कि इसके बाद गवर्नमेंट के पास कुछ बचा हुआ दिखाई देता है? ये तहरीक इंसाफ अगेन ये फैसला मुश्किल में डाल देगा तहरीक इंसाफ को। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो इमरान खान है बरतानिया में रहते हैं और उनकी जितनी पैरामीटर्स है वहीं से वो लेते हैं। अभी इस अब जमहूरियत हमारी है, आप सुने 657 आप उनके सीटें है ना, उन्हें ये मालूम है। आप ये देखिए इनके इर्द गिर्द कौन है, दूसरी पार्टियों के हैं, बड़े बड़े चौधरी वहां बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई थोड़ी सी दूसरी पार्टियों के नहीं है जागीर साहब, ये तो उनका वजीर खारजा क्या था भाई, अंदर से क्या आएंगे यार ये खोखले। आप इस पत्ता जो खड़का दिल मेरा धड़का, एक गोली चलाएं देखे कैसे भी बारे में ऐसे मैंने यूं किया तो वो गोली हो गई, तो वो गोली आप कह रहे हैं कि मतलब शर फैला सारे चले जाए, मतलब आपका लीडर जो शर फैला रहा है उसके गोली कह रहे हो, एक धमकी आप गोली का मतलब है ये सब भी कर जाएंगे सर, इनके नुकसान होने दो, आप इनको सीधे जाने दो, करे सीटें जाने दो, ऐसे बताएंगे ये इनके अगर 12 आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, 12 बने हैं तो उनके 24 बनेंगे, गोली चलाओ और इनको भगा दो, ये देखें उधर फंसे हैं, गोली 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 ले कोई कोई। अच्छा जानी साहब आपको लगता है कि लफ्जों का तसर्रुफ भी होता है, गोली को गोली, इंसान के पास दलाइल खत्म हो जाए तो वो फिर ऐसी बात हो। अच्छा समाप्त हो गई जा रहे हैं, जानी साहब मुझे कहां है, जानी साहब मुझे ही बताएं कि आज ये हुकूमत तमाम तहलील हो जाती है, अगर ये हुकूमत तहलील हो जाती मैं बोल रहा हूं कि जो अगर संगामी सूरत हाल है जिसको गोली गोली पे चपट के ना, गोली तो चली थी कि सर हुकूमत रह सकेगी इसके बाद, नहीं रह सकेगी। अब देखिए उस वक्त तक नहीं रह सकती कि जब तक कि इसके पास प्लानिंग नहीं है, अगर किसी के पास हुकूमत के पास कोई प्लान है जो अभी अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतने ये लोग पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा और 3.5 साल ले लें उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे ये साल कोरोना का निकाल लेकिन आप तो कहते हैं कोरोना का हीरो है, आवाम का खून आपका कोरोना का हीरो है। मुझे जहांगीर साहब ये बता दें, मुश्किलात तो खड़ी हो जाएंगी ना, आज मुश्किलात आला सतह इजलास जो चल रहा है, मुझे फैसला करना है। जहांगीर साहब जिस बेस पर इस हुकूमत को समझ रहे हैं ना, क्या बेस के बेस की मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनकी बात को कट कर रहा हूं। देखिए एक बात आप सुन ले, आपको आपने ये मुझे इस गवर्नमेंट का बता दें, इस गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का सवाल क्यों नहीं है जवाब मेरे। देखिए एक बात, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये 14 जमातों में बटे हुए हैं और सबको इलेक्शन लड़ना है और सब सब अपनी जमात की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे और आपस में लड़ेंगे और ये मुल्क बर्बादी है। और यहाँ ये जिसको ये इत्तेहाद कह रहे हैं और इमरान खान कि भाई ये देखें, ये भी जो है ये भी भानमती का कुंभ है। अभी 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 ताजा तरीन एक अपडेट सदर ममनून हुसैन साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि यही सूरत हाल रही तो बकौल सपोर्टर मैं ये बात कह सकता हूं कि नून लीग को शायद 30% सीटें भी ना मिल सकें। सर ये जो सिचुएशन है, नून लीग की सियासत को मैंने कब कह दिया कि इनको 100% सीटें मिलेंगी, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैं यही तो पूछ रहा हूं, मैं तो इनकी हिमायत कर ही नहीं रहा हूं, यही तो मैं तो ये बता रहा हूं कि आज की खोखली पॉलिसी पे बात कर रहा हूं। आप उससे आप उस पर सवाल करें, आप सवाल करें, मैं बताऊं उनमें कितनी कमजोरी है। इसको आप ये कहते हैं कि अगर आप मैं इसको तंकीद कर रहा हूं यार, आप नहीं यार, आप काय के लिए कर रहे हैं यार, एक काम तो आप पे काम कर रहे हैं, मैं तो बन रहे हैं। अच्छा जागीर साहब सवाल मैं बता रहा हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं,
जहांगीर साहब मुझे ये बता दें, अगर हुकूमत कमजोर नहीं है तो खान साहब असेंबलियां तहलील करने का लॉन्ग मार्च करके ये हुकूमत को डिरेल करने की बात कह ही नहीं सकते। अगर हुकूमत में को अवामी मकबूलियत हासिल होती तो शायद ये मामला ही ना होता। मैं जितना सोच सका हूँ ये है कि इनका तरीके कार ये क्योस पैदा करो और जो है वो और जो घुमाओ और टेंशन में डालो। वो लोग भी ऐसे ही है, उनमें तो इतनी भी समझ नहीं है कि ये लोगों की हिमायत हासिल कर सके। इंतहाई जाली स्ट्रेटेजी है हुकूमत की। ये अगर इधर बोलो ना, स्ट्रेटेजी हुकूमत को आइंदा इंतखाबात में कहां लेके जाएगा? कौन कहता है, लेकिन इस मुल्क का क्या बनेगा? ये भी खोखले वो भी खोखले, कहां जाए हम सर? अवाम की मदद ले आते हैं, कोई और आदत। अभी आप वो न्यूट्रल है, वो तो बेचारे इस अगर वो न्यूट्रल ना रहते तो उनको ले आते हैं। नहीं, क्यों लाते हैं? उन्हीं के तो खिलाफ है हम यार। कि उन्होंने उनने तो शुरू से तारीख से 70 साल तारीख में 35 साल तो वही खा गए जिनके आप जो मुझसे तारीफ करवाना चाह रहे हैं। सर मैं गागर हाँ जा रहा हूँ, आप क्या हो? आप उसी में तो कॉर्नर पे ले जा रहे हैं। सर आप कह रहे हैं ये बुरे वो बुरे, तो मैंने कहा उन्हीं को ले आओ। भाई मसला ये है क्या आपके अलावा कोई अच्छा है? अच्छा बता दें, अच्छे ना बस काम है क्या? आवाम हूँ। अबे भाई आप आवाम का आजा, मुझे खास आवाम हूँ जो जो ये आवाम की जबान है यार। मुझे एक और को समझो, आवाम कहाँ जा रहे हैं, ये मुल्क कहाँ जा रहा है? मुझे ब्रेक लेंगे कहा जा रहे ब्रेक पे जाने से पहले एक छा साहब आपकी तरफ सवाल छोड़े जाते हैं। एक तो माशी हालात हम देख रहे हैं, दूसरी जानब एक बल्दियाती इंतखाबात हुए आजाद कश्मीर में। इन बल्दियाती इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ ने थम्पिंग मेजोरिटी हासिल की। इसके बाद हुकूमत मजीद परेशान होगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आ जाओ। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।